मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ संवर्धन और संरक्षण को लेकर मंत्रिपरिषद समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने गौ वंश संवर्धन संरक्षण की दिशा में एक इतिहास रचा है। गौ संवर्धन और संरक्षण केवल पशुपालन विभाग नहीं कर सकता है, इसलिए मंत्रिपरिषद की एक समिति बनाई गई है। इसके साथ ही गौ विशेषज्ञों के साथ भी इस विषय में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी की बधाई दी और कहा कि गाय का दूध अमृत कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। गौमूत्र एवं गौ उत्पादों का औषधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा, गंभीरता के साथ गौ वंश के संवर्धन संरक्षण का काम किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए गौ संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए भी गौधन जरूरी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रयासों में गौधन का उपयोग करेंगे और स्वावलंबन के लिए गौ माता की अवधारणा लागू करेंगे। उन्होंने कहा, केवल पशुपालन विभाग इसके लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें कई विभाग सहभागिता करेंगे। शिवराज ने कहा, गाय के गोबर और गौमूत्र का कैसे बेहतर उपयोग हो, इस पर सुझाव लेकर काम किया जाएगा। सालविया अभ्यारण्य में गौ पशुपालन एवं अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश गौ संवर्धन और संरक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अंतिम संस्कार में भी इन कंडों का उपयोग बेहतर अंतिम संस्कार के लिए होता है, क्योंकि लकड़ी जब जमाते हैं तो लकड़ी तो आड़ी टेढ़ी होकर जलती है, चटकती है, गिरती है, तो पार्थिव शरीर के अंग भी गिरते रहते हैं, हड्डियां भी टूट के गिरती है, और लोग बताते हैं कि फिर जब अस्थि चुनने जाते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। लेकिन गोकास्ट मतलब गोबर के कंडे बना के उनपे अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी लकड़ी के बजाय बहुत उपयोगी है। लकड़ी बचती है और शरीर भी ठीक ढंग से उसका अग्नि का कुछ संपन्न हो पाता है। तो गोबर का अपना उपयोग है, दूध ना भी दे तो गोबर और कंडे बिकते हैं, खाद बिकती है, और उस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। और तीसरी चीज है गोमूत्र। गोमूत्र से कीटनाशक भी बनते हैं। अभी बाकी जो कीटनाशकों का हम उपयोग कर रहे हैं उनके दुष्प्रभाव हम सब जानते हैं, फल में, सब्जियों में कीड़े मारने के लिए जो जहरीली दवाइयां डालते हैं उसके कारण जो स्वास्थ्य को खतरा पहुंच रहा है उससे हम सब परिचित हैं। तो गोमूत्र से कीटनाशक बनते हैं, गोमूत्र से कई तरह की औषधियां बनती है, गोबर के भी और अनेकों उत्पाद है, मैं उस पर अभी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा। तो इनका दूध भी छोड़ दिया जाए, कोई दुधारू नहीं है, तो गोबर और गोमूत्र के आधार पर ही हम अपनी खेती भी बदल सकते हैं, चिकित्सा में बहुत सहयोगी हो सकती है और मानव कल्याण का साधन बन सकती है। और इसलिए केवल सोचा नहीं है कि गो कैबिनेट की बैठक हो गई या मंत्रिपरिषद की हमने समिति बनाई उसकी बैठक हो गई, बहुत गंभीरता के साथ हम कर रहे हैं। गोवंश के संरक्षण और संवर्धन का काम श्रद्धा के कारण भी हम कर रहे हैं और श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण बचाने के लिए, अपनी खेती बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए कई चीजों में हम उपयोग करेंगे। इसलिए जोड़ा है कि खेती में गोबर भी काम आएगा, खाद भी काम आएगा, और खेती और गाय का नाता ऐसा है कि जिसको एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। तो कृषि विभाग का हम सहयोग लेंगे, पंचायत और ग्रामीण विकास इसलिए जोड़ा है कि गौशाला व्यापक पैमाने पर बनाने का काम मनरेगा और बाकी राशियों से हो रहा है। तो संबंधित जितने भी विभाग है, फॉरेस्ट विभाग में हम चारागाह विकसित कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो शहरी क्षेत्रों में अर्बन डेवलपमेंट को भी हम जोड़ेंगे, जो जो उपयोगी इसमें हो सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।